जितने सारे दानव को जानते हैं, जितनी भी है वो सारे सिनेमा में, असल जिंदगी में देखा है कभी? मुझे तो लगता है हाँ। वो दिन में आसमान पे चढ़ता है, जी हाँ, मैं सूरज की ही बात कर रही हूँ। इतनी तेज गर्मी में हमें सुकून दे सकता है एकमात्र ठंडी हवा। घर में एसी और फ्रिज तो इसीलिए ही होता है ना? लेकिन कोई अगर सर्दी में एसी चला दे तो आप तो उसे पीट के मार देंगे, क्योंकि सर्दी में ठंड के वजह से हमें उस हवा से डर लगता है। लेकिन कोई अगर तेज गर्मी में भी ठंडी हवा से डरे तो क्या? तो आप उसे क्या कहेंगे, पागल? कुछ ऐसा ही है हमारे नैरेटर। असल में वो जहाँ रहते थे उसके ऊपर थर्ड फ्लोर में, नहीं सब यहाँ कैसे बता दूँ? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी इस बार की कहानी, एचपी लवक्राफ्ट की लिखी हुई कूल एयर की अनुवाद ठंडी हवा, सिर्फ हॉट इंडस संडे में। विश्व साहित्य की कुछ अनसुनी और रोमांचक कहानियों से सजाई गई हमारी ये अनोखी पहल हॉट इंडस संडे। शुरू हो रहा है ठंडी हवा। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि ठंडी हवा से मुझे डर क्यों लगता है, सर्दी आने के 2 महीने पहले से ही क्यों मैं शाम के आगे कमरे में घुस के दरवाजा बंद कर देता हूँ। हाँ, मुझे डर लगता है। इसके पीछे एक कहानी है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सुन के आप ही बताइए कि मेरा ये डर जायज है या नहीं। 1923 में मैं स्थानीय एक मैगजीन में कलम लिखने का काम करता था। इस काम में सम्मान तो था लेकिन पैसा कुछ खास नहीं मिलता था, इसीलिए किराए पे सस्ता कमरा ढूंढ रहा था। मैं एक कमरा ढूंढ भी लिया 14 वेस्ट स्ट्रीट की एकदम आखिरी में। पुराने जमाने की एक घर है, देख के लगता है एक वक्त बहुत से धनराशि खर्च करके इसे बनाया गया था। यहाँ पे सेकंड फ्लोर की एक कमरा किराए पे मिला है जो एक अकेले आदमी के लिए काफी है। चारों तरफ की दीवार वॉलपेपर से ढका हुआ है, कमरा साफ सुथरा भी है। उसके ऊपर 24 घंटे गर्म पानी का बंदोबस्त भी है। किराएदार हिनेरो के साथ पहले दिन ही मुलाकात हुआ था। इस महीने की एडवांस गिनते गिनते कहा था कि यहाँ पे ऐसी घर मुझे और कहीं नहीं मिलेगा, मैं शांति से यहाँ अपना काम कर सकता हूँ। बस मेरे कमरे की ऊपर थर्ड फ्लोर में डॉक्टर मुनियो रहते हैं। उस कमरे में सारी रात लाइट्स ऑन रहते हैं, उससे रात में मेरे भी कमरे में थोड़ी रोशनी आए तो मुझे सोने में दिक्कत हो सकते है। लेकिन मैंने उसे ये बता दिया कि इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होगा। ऐसे बातों बातों में पता चला कि डॉक्टर मुनियो बहुत पहले ही अपना काम छोड़ दिया है। वजह पूछते ही हिनेरो मुझे कमरे की चाबी देके लौट गए। यहाँ पे दिन बहुत ही अच्छे से ही गुजर रहा था। पहली घटना हुई 3 हफ्ते बाद रात 8 बजे। बिस्तर पे लेट के एक कहानी पढ़ रहा था। ऐसे वक्त पे अचानक से एक आवाज आया जैसे मिट्टी के ऊपर पानी की बूंद गिरने की आवाज आ रहा हो। ध्यान से सुनने के बाद समझ आया वो आवाज थर्ड फ्लोर से डॉक्टर मुनियो के कमरे से आ रहा है। आवाज को नजरअंदाज करते हुए फिर से बिस्तर पे आके बैठने ही वाला हूँ, तब भी एक तीखी बू से मेरा कमरा भरने लगा। एक वक्त पे केमिस्ट्री लेकर थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई किया था,
इसीलिए समझने में तकलीफ नहीं हुआ कि वो एमोनिया है। मेरे कमरे में तो एमोनिया नहीं है, तो ये बू कहाँ से आ रहा है? फिर भी कमरे में छानबीन करना शुरू किया, कुछ मिला नहीं। वापस फिर से सोने वाला हूँ, अचानक नजर गया सीलिंग के पास। अजीब लगा, कमरे की सीलिंग का एक बड़ा सा हिस्सा भीगा हुआ है। वहां से ही एक एक करके एमोनिया की बूंद टपक रहा है। अगर इसे अब भी रोका नहीं गया तो सारी रात मेरी नींद की ऐसी की तैसी हो जाएगा। बाहर जाके नीचे से मिस्टर हिनेरो को लेकर ऊपर मुनियो के पास जाने लगा। ऊपर जाते जाते पता चला कि डॉक्टर मुनियो कुछ साल से कोई एक अनजानी रिसर्च में जुटे हुए हैं। खुद डॉक्टर होके भी दवाइयों पे भरोसा नहीं करते हैं, खुद भी बीमार है। एक वक्त का बहुत बड़ा डॉक्टर अब किसी से मिलना भी नहीं चाहते हैं। काम के नाम पे बस बाथटब में अजीब सा कुछ केमिकल डाल के उसमें डूबे रहते हैं सारे दिन, कमरे से बाहर नहीं आते। मुनियो के दरवाजे पे पहुंचने के बाद मैंने हेनेरो को बात करने के लिए छोड़ के अपने कमरे में वापस आ गया। एमोनिया की बू भी अब उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन दिल में शक पैदा होने लगा। कुछ दिन बाद एक दोपहर को कमरे में लिखने बैठा था, अचानक से चेस्ट पेन होने लगा। बचपन से ये होता है, बीच में बहुत दिन नहीं हुआ तो मैंने भी दवाई फेंक दिया था, लेकिन दर्द हद पार करता देखकर मैंने भाग के डॉक्टर मुनियो से सहायता मांगने गया। कौन है, यहाँ क्या चाहिए? मैं मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, आप दवा दे सकते हैं? दरवाजा खुला है, अंदर आओ। उसका आवाज स्वाभाविक इंसान की तरह नहीं था। जून के महीने में दरवाजा खोल के अंदर आते ही ठंडी हवा से मेरी रूह तक कांप उठा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। अनुवाद में है आकाश रॉय, कहानी में हूँ मैं रोनिता। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले रविवार इसके अगले हिस्से के साथ।